सो हे गाइस, व्हाट्स अप, माय नेम इज अनमोल। एंड जैसे कि आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे, आज मैं अपने दोस्त से मिलने वाला हूँ जो कि मेरा स्कूल फ्रेंड था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रेंड था और अभी भी है। तो गाइस, आज उसने मेरे को कॉल किया और मेरे को बोला कि चलो आज मिलते हैं। तो गाइस, हम काफ़ी सालों बाद मिलने वाले हैं आज, तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो एक्साइटिंग होने वाली है। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। और कैब आ चुकी है। तो ये है वो शर्माऊ इंसान जिसकी मैं बात कर रहा था। तो दिखाना साले शक्ल कि देखो ये क्या बन के बैठा हूँ। तो अब ऐसे पिज़्ज़ा खाएगा तो भाई हमारा मान गया। अब हम जा रहे हैं पैसे रिवील करने के लिए। अभी ये बंदी से बात कर रहा अपनी शक्ल अभी भी नहीं दिखाएगा। इतना हरामखोर बंदा था ये कि हमारे कंधों पर काट देगा। तो लेक्चर के बीच में लेक्चर चल रहे हैं और इसको पता नहीं क्या एकदम से कुछ हुआ करता है। वो भी था क्या? और किसी के भी चुंडी मार देगा, किसी के भी काट लेगा और किसी के भी कुछ भी कर देगा। कुछ तो ऐसे ऐसे हरकतें किया करते थे। बाकी अभी खाते खाते आपको चीज़ें बताएंगे जो क्या लाएंगे। बहुत गर्मी लग रही है, जैकेट उतार दूँ इसने बनाई है जबरदस्ती में। हाँ, जानबूझ के बनाई है क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता। मैं वैसे भी नहीं अच्छा लगता तो इससे थोड़ा सा अच्छा नहीं। ये जैकेट पहन के दिल्ली में नहीं लगता। यह हमारा सस्ता दलेर मेहंदी है हमारा। ये पहले बहुत पता लगा नंबर डाल दिए लोग फोन करके फोन करके ब्लॉक करते ना इसका बंदे का व्हाट्सएप। अच्छा, तुम्हारे को एक और चीज़ बताता हूँ इस बंदे की। खुद सुनो, ये खुद तो ब्लॉक के लिए तैयार हो के आ गया, मुँह मा धो के चमका के तो मुझे ऐसे उठा लाया। ये मेरी असली शक्ल नहीं है। देखो मैं यहाँ पर मैसेज डाल दूंगा, मैं स्क्रीन शॉट डालूंगा। मैंने इसको बोला था, मैंने कहा भाई आज ब्लॉग बनेगा ठीक है, अच्छे से बन के आएगी। लेकिन ये बन के क्या आई है, दलेर मेहंदी बन के आएगी हम हमारी सारी। अभी आप लोगों को मैं एक और चीज़ भी बताने वाला हूँ, जब तक हमारा पिज़्ज़ा नहीं आ रहा। अगर पिज़्ज़ा वाले भेज दो साले, ऑर्डर किए सिर्फ 2 मिनट में। तो मैं ये जो बोल रहा हूँ, ये बंदा ऐसा सा, अगर मैं लाइव आऊँगा और इसको कोई भी लड़की दिखाई दे जाएगी भाई पाप लगेगा इसको। कोई भी लड़की दिखाई दे जाएगी उसी को फ्लर्ट करना शुरू कर देगा। ये साला लाइव मेरे से बात नहीं करेगा, ये जो रिप्लाई दे रहे होंगे इंसान उसके साथ रिप्लाई करना शुरू कर देगा। ये लाइव पे इग्नोर करता है। एक बार जिंदगी में मेरे साथ लाइव गया, उसके बाद कहता है लेके जाऊँ। हाँ, क्योंकि ये सारा सड़के दिखाता है। स्क्रीनशॉट मैं भी डाल दूँगा, मेरे पास भी है ठीक है। इसको साले को जितनी बार भी बोलो कि भाई आजा चल लाइव आते हैं ठीक है। ये बंदा ऐसा है कि बैठ के या तो फूल दिखा रहा होगा, या सड़के दिखा रहा होगा, या डिम लाइटें दिखा रहा होगा। अब इस बंदे क्या बात करें ये, इस फूल को फूल ना दिखाऊं मैं। डोमिनोज की लड़की पे लाइनें मार रही है। देखो वो बार बार वहाँ देख रहे हो, तुम कैमरे में नोटिस करो। तुम एक बार के लिए मेरे पीछे जनता देख लो कितनी आ रखी है। अभी मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? अब आप हमारा बॉन्ड देख सकते हो, हमारा किस टाइप का बॉन्ड था स्कूल से लेकर अभी तक, वैसा का वैसे ही है। हाँ, ये सिर्फ मेरे को कंटेंट के लिए ले गया है, कोई प्यार दूर नहीं करता मुझसे। ये जो उमड़ उमड़ याद है ना, कह रहा भाई तुझे एक पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, मैं बिक गया उसमें। देखा कितना सस्ता बंदा है ये, पिज़्ज़ा के नाम पर बिक गया। मैंने बोला बिकाऊ इंसान दलेर मेहंदी, बिकाऊ इंसान है तो जी। आ ऐसे होते कबार लोग। एक खाते खाते बात याद आई, ये हराम पर ये इतना ऐसा बंदा है कि हमारा ना मतलब हम एक डेढ़ किलो पर जाया करते थे और मेरा खाना मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ करता था ठीक है। मतलब अभी भी होता है इसका खाना नहीं, जो हमारी आंटी जी बना के भेजते थे उनके हाथ का ठीक है। तो ये साला मेरे टिफ़िन से पहले ही खाना खा लिया करता था और फिर उसके बाद ना ये ऐसे रिएक्शन देखा करता था कि जब हमारे जब हमारा रिसर्च हुआ करते थे ना तो लाइक अनमोल तू खाना नहीं लाया। मैं कहा मैं इतने कॉन्फिडेंस से, क्योंकि मुझे पता ही नहीं तो मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। मैं कहा यार मैं लेके तो आया हूँ, हाँ देख चेक कर, तू तो खाली डब्बा लेके आया। एक दो बार हुआ ऐसा, फिर उसके बाद पता लगता था ये कि ये जो ये हरामी इंसान है ये खा लिया करता था सबके साथ। मेरे साथ 3 और लोग थे इस कांड में। कौन कौन? बल्लू अंकू, बल्लू बल्लू, हम थे 8 वाले, ये थे कॉमर्स वाले। नहीं मैं पल्ले वैसे कुछ मिला।
अभी ब्रेव स्टेट आ रखे हैं और ब्रेव स्टेट में अभी हम न्यू चीज़ें ट्राई करने के लिए आए हैं। वैसे भी हम अल्कोहल तो पीते नहीं हैं, तो अभी हम यहाँ पे कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करेंगे, तो लेट्स सी क्या क्या चीज़ें ट्राई करते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जब तुम ब्लॉग कर रहे हो और ये बीच में से आके छेड़ रहे होते हैं। अभी हम ब्रू स्टेट से आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे मज़े किए हमने, बातें वगैरह करी, क्योंकि क्या है ना कि ये जॉब में अलग बिजी रहता है, मैं अपने जॉब में बिजी रहता हूँ, तो क्या है कि टाइम वगैरह नहीं, सब ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो उसी चक्कर में हमने हर जगह पर कैमरा यूज़ नहीं किया, क्योंकि क्या होता है ना कुछ अपने पर्सनल लाइफ भी। हाँ जी, मैंने आपकी वीडियोस देखी हुई, आपको सब्सक्राइब भी किया होगा। अच्छा, हाय, व्हाट्स योर नेम? अरमान। हाय, व्हाट्स योर नेम? हाय, नाइस टू मीट यू गाइस। अच्छी वीडियोस बनाते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी लेटेस्ट वाली वीडियो जो दिवाली वाली थी बहुत अच्छी हुई। ओह, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक फोटो खिंचवा सकते हो? हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर। अब मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, लेकिन मैं एक बात मेरी उस टाइम पे रह गई थी, मैं अभी यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई भी इंसान कुछ काम कर रहा हो और उसको अप्रिसिएशन मिले, तो एक उसको ज़िंदगी में एक अपना अलग ही पुश मिलता है, एक अलग ही किक मिलती है उस इंसान को कि हाँ, वो जो भी काम कर रहा है वो अब सक्सेसफुल हो सकता है, अब वो काम अच्छा करने लगा है। तो गाइस, अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, जैसे मुझे आज मिली मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।